इस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति होते ही अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के प्रकाशित होते ही सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है, कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, फिर कुछ असंभव नहीं रह जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। और यदि इतने बड़े बड़े लाभ हैं, इतने बड़े बड़े अद्भुत परिणाम हैं, तो हमें क्षण प्रति क्षण हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मिक ज्ञान को प्रकाशित कर लेने के लिए, इनके स्रोतों की शरण में जाकर ही कल्याण निहित हो सकता है। यदि हम अपने अंतर्मन में इनके स्रोतों की शरण में जाने की इच्छा प्रबल कर लें, मजबूत कर लें, तो ये समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। वे स्रोत हैं वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, विद्वचन। संत जनों की शरण में पहुंचकर हम ये सफलताएं निश्चित ही प्राप्त करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। अब हमें इस शुभ कार्य को करने में देरी नहीं करनी चाहिए, अब तुरंत ही आरंभ कर देना चाहिए अपने प्रयास।